hey, हंस क्यों रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम डर जाओगी, ये तो मजाक था। ये मजाक नहीं होता। तुम दोनों हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ नेट और मेरी दोस्त एलिस। हम घोस्ट हंटर मिशन पर हैं। ठीक है, अब बस। भूत? कौन से भूत? क्या तुमने स्प्रिंग बॉल क्वीन के भूत के बारे में सुना है? हर साल स्प्रिंग बॉल रात को उसका भूत यहाँ पर घूमता रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना उसे देखा जाए, तुम्हें साथ आओगी? तुम मुझे हंटर्स के साथ जाने के लिए बोल रही हो, दिमाग तो ठीक है ना? ठीक है, बाय द वे, मैं हूँ टीना। क्या हम कुछ और जगह चले? कुछ काम भयानक है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, नजदीक कैफे में चलकर बातें करते हैं। एक समय की बात है, स्कूल की क्वीन अपने बॉयफ्रेंड को बॉल में ले जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया। अचानक एक कार मोड़ पर घूम गई। वो कार स्कूल क्वीन की तरफ बढ़ती गई और ठोक दिया, और वो कार स्कूल क्वीन को टक्कर मार गई। क्या कह रही हो? और उसका बॉयफ्रेंड? कोई आइडिया नहीं, बस वो हर साल आती है और कब्रिस्तान में भूत बनकर घूमती रहती है। हाँ, और यही वजह है कि हम वहाँ गए थे। बहुत अजीब है, तुम दोनों से मिलके अच्छा लगा। चलो हम मिलके भूत को पकड़ते हैं। यार देखो, अरे जरा स्माइल करो। हे, फोटो क्यों निकाल रहे हो? बस एक अच्छी मेमोरी बन जाती है इससे। वैसे एक काम है, हमें स्कूल क्वीन को ढूंढने में कोई क्लू मिल जाता तो मजा आ जाएगा। और उसके भूत को बुलाने में भी क्लू नहीं है, बस हमें उस रात की घटना और गहरी तलाश करनी होगी। लेकिन क्या हम सब कुछ जानते नहीं? क्या तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता है? नहीं। तो शायद फिर वही रास्ता दिखाए। अरे टीना, तुम कितनी होशियार हो। सॉरी, भूल जाओ। तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ, ठीक है? कल स्कूल के बाद मिलते हैं, डील? रुको, कम से कम अपना फोन नंबर तो दे दो, तुम्हें पता भी नहीं हम किस स्कूल से हैं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। चलो चले, हमें अपने क्लासमेट को सब बताना है। देखो देखो, हमारे घोस्ट हंटर्स। स्प्रिंग क्वीन को ढूंढने में कोई कामयाबी मिली या नहीं? कुछ नहीं, उसकी कब्र तक नहीं मिल रही है। लेकिन हमें एक कूल लड़की मिली है जो हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, वैसे नेट को बहुत पसंद आई। वैसे बॉल नजदीक है और हम बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ का प्लान है, हम पार्टी से निकलेंगे जब सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली है, समझ गए सब? सीधे कब्रिस्तान, और वहाँ हम स्प्रिंग बॉल क्वीन के भूत का इंतजार करेंगे। हाँ, लेकिन जब तक हम कब्र नहीं ढूंढ लेते, ये टाइम वेस्ट करना है। कोई अच्छा आइडिया है क्या? हमारी दोस्त टीना ने कहा कि स्कूल क्वीन की मौत के बारे में हमें और गहराई तक जानना होगा। लेकिन हमें उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता, हमें पता भी नहीं कौन है। लाइब्रेरी में जाना चाहिए। अरे लाइब्रेरी में क्या मिलेगा, वैसे भी हमें उसकी कब्र ढूंढनी है। नहीं बेवकूफ, वहाँ पे पुराने न्यूज़पेपर रखे होते हैं। सच में तुम्हें नहीं पता? हाँ, लेकिन अखबार में क्या ढूंढ रहे हम? स्प्रिंग बॉल क्वीन की मौत के समय के कुछ अखबार, मुझे लगता है शायद वहाँ हमें कुछ जानकारी मिल जाए। बिंगो, हम टीना के साथ लाइब्रेरी में जाना चाहिए, एक टीम के जैसे। मंजूर है मुझे। ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें टीना को देखना है। अरे छोड़ो भी यार, टीना ने मुझे अपना नंबर तक नहीं दिया, कौन जाने वो आएगी भी या नहीं। ओह एलिस, ये तो बुरा हुआ, फिर से फ्रेंड जोन हो गई। चुप करो। हे टीना, तुम हमारे स्कूल में क्या कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मदद करने आऊंगी, भूत पकड़ना है, याद है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वैसे हमारा प्लान है कि हम लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबार की छानबीन करें, क्या तुम चलोगी? जरूर, स्कूल के बाद वहाँ मिलते हैं। नीट, क्या हुआ? तुम तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही हो। क्या? जब से हम दोनों मिले हैं ना, तब से मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? नेट, देखो मैं इस बात से खुश हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। देखो, से मुझे कोई मतलब नहीं, बस तुम पसंद हो।
क्या हम दोनों डेट पर चले या अम्यूजमेंट पार्क या फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं ना? नहीं प्लीज, देखो ये सब जरूरी नहीं है। लेकिन क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब ठीक है लेकिन। लेकिन क्या? किसी और को जाकर ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। टीना रुको। हमेशा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जब भी मुझे कोई लड़की पसंद आती है तभी वो घुल मिल नहीं पाती है। कितने खूबसूरत है ये। एक मिनट, ये टीना की फोटो मेरे फोन में, शायद ये प्यार का जादू है। चलो कोई बातें, जब मैं ही इसे पसंद नहीं हूँ तो। नेट, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? बस ऐसे वॉक कर रहा था, मन किया तो कर रहा हूँ। हुआ है क्या? मैंने टीना को डेट के लिए पूछा लेकिन उसने मना कर दिया। टीना, तुमने उसे देखा? हाँ, वो हमारे स्कूल आई थी, क्या तुमने उसे नहीं देखा? नहीं, लेकिन उसे हमारे स्कूल का कैसे पता चला, अजीब नहीं है ये? क्या बात कर रहे हो, तुमने देखा नहीं वो कितनी स्मार्ट है? बस एक नॉर्मल लड़की। लेकिन वो मेरे लिए खास है। फिर उसने कोई फोन नंबर क्यों नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और तुम्हें डेट पे रिजेक्ट क्यों किया? तुम क्या कहना चाहती हो? माफ करना बट कुछ अजीब है उसमें। देखो मैं जानती हूँ तुम इंटरेस्टेड हो उसमें, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान कहीं और करना चाहिए। कैसे, उसने अभी रिजेक्ट किया है मुझे। चलो हम स्कूल क्वीन की मौत की जांच करते हैं, हम तो वही कर रहे थे, तुम्हें सब कुछ भूल जाने में मदद मिलेगी। ठीक है, बॉल नाइट आने वाली है और हमने भूत को ढूंढने का वादा भी किया। हाँ बिल्कुल, चलो अब लाइब्रेरी चले। याद है ईवा ने कहा था हमें कुछ पुराने अखबार लेने हैं। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे पास इंटरनेट है तो हम अखबार में क्यों ढूंढ रहे हैं? नीट, वो बहुत पुरानी बात है। एक्सक्यूज मी, मुझे अखबार चाहिए। तुम लोग लाइब्रेरी में हो? क्या हम 10 साल पुराने वाले अखबार ले सकते हैं क्या? क्या अखबार, अब कौन पढ़ता है उनको? हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। उम्मीद है हमें स्प्रिंग बॉल क्वीन और उस लड़की के बारे में कुछ मिल जाए। कम से कम उसका नाम और खबर तो मिल जाएगी। Hey guys, क्या तुम फिर? टीना, क्यों, क्या हुआ, इतने सरप्राइज क्यों हो? नेट ने यहाँ पर मुझे बुलाया है। लेकिन हमने तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बताया था। एलिस, शांत हो जाओ, तुमने देखा ना टीना कितनी स्मार्ट लड़की है। ये लो तुम्हारे अखबार, खराब मत करना, समझ गए ना? मुझे दिखाओ। नहीं नहीं, ये मुझे दो। एक काम करो, तुम घर चली जाओ, तुम यहाँ कोई मदद कर नहीं सकती। एलिस, आराम से, वो बस मदद कर रही है। मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। टीना, हम दोनों साथ में मिलकर सर्च करें। अब क्या है, एक दूसरे से चिपकने जाओगे? चलो फोकस करते हैं। एलिस, एटीट्यूड किस बात का? क्या नहीं देखा, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था और तुम, या तुम विक्टिम बनने का नाटक करोगे फिर से? बस करो, हमें शुक करना बंद करो। एलिस, क्या मतलब है तुम्हारा? रुको, मिल गया, यहाँ स्प्रिंग बॉल क्वीन की मौत की खबर है। क्यों, लेकिन उनका तो कहीं नाम ही नहीं है, ऐसे तो कब्र नहीं ढूंढ सकते। लेकिन यहाँ कुछ उसके बॉयफ्रेंड के बारे में है। कम से कम उसका नाम तो मिल गया, टाइलर। वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की जगह तेजी से पहुँचा, लेकिन उसने कंट्रोल खो दिया और उसकी गाड़ी झील में चली गई। अरे, हमें शो करना बंद करो, चलो चलते हैं कहीं और डिस्कस करते हैं। तो टाइलर उनका बॉयफ्रेंड था और उसका भी यही हाल हुआ? हाँ, उसकी कार उस झील में गिर गई और डूब गई। कितना बुरा हुआ, उसके जगह पर होना कितना मुश्किल है, प्यार को खोना कितना बुरा होता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज अभी नहीं पता। लेकिन प्रॉम क्वीन का नाम क्या है और उनकी कब्र कहाँ पे है? बिल्कुल, हम लेक जा सकते हैं जहाँ टाइलर प्रॉम से पहले डूब गया था, और उनकी स्पिरिट से बात करने की कोशिश करें। ये देखो, अब भी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। देखो, मैं समझ गई, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं स्प्रिट से बातें करना जानती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या हम अभी लेक चले? नहीं, रात को ही जाएंगे। और प्लीज मेरा हाथ मत पकड़ा करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। सुनो टीना, क्या तुम अभी बिजी हो? ज्यादा तो नहीं, क्यों? मैं बस मॉल जाना चाहती हूँ, स्प्रिंग बॉल के लिए ड्रेस लेनी है, तुम चलोगी? ओह माफ करना, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुमने तो अभी कहा था कि तुम फ्री हो आज। हाँ वो तो। ओह चलो ना,
शायद मुझे नहीं। अरे आ जाओ। बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे जाना है। तुम हमेशा जल्दी क्यों जाती हो? वो मुझे भी स्कूल क्लासेस अटेंड करनी है। कौन से? तुम हमेशा हमें अपने बारे में नहीं बताती हो। मैं सबर्ब्स में स्कूल जाती हूँ, यहाँ से काफी दूर है। अजीब, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ समय गुजारने में? नहीं, क्यों पड़ेगा आखिर? कुछ तो खास बात है, या तुम्हें हमारे दोस्त पसंद ही नहीं है? नहीं, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, और तुम उसका दिल तोड़ रही हो। ये ट्राई करो। क्यों? मैं तुम्हें हमारे बॉल में बुला रही हूँ। हम कुछ वक्त बिताएंगे और फिर भूत पकड़ने जाएंगे। नहीं शुक्रिया, मैं तुम्हारे स्कूल से नहीं हूँ तो मैं नहीं आऊँगी। अरे मैं सब संभाल लूंगी, ट्राई करके देखो। एक बार नहीं कहा ना? क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई? मैं तुम्हें दूसरी देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कपड़े को ट्राई क्यों नहीं कर रही हो? मुझे ड्रेसेस से नफरत है और बॉल्स भी। लेकिन दूर हटो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये बस एक ड्रेस थी। अरे अरे अरे, इसे खराब मत करो। ये तुमने क्या कर दिया? ये ड्रेस बहुत महंगी है। तुम आखिर चाहती क्या हो? बस लेकिन तुम्हें बॉल में आना था। अब और नहीं, ना कोई बॉल्स ना कोई ड्रेसेस। तुम लोग मुझे नहीं देख पाओगे, मुझे अकेला छोड़ दो। रुको, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। वो हमें प्रॉम क्वीन की कब ढूंढने में मदद कर सकती थी, अब मैं क्या करूं? मैं अपने क्लासमेट को फोन करती हूं। तुम निकल। ओह एलिस, क्या हुआ? हे गर्ल, तू तो मुश्किल में है। अरे क्या बात है? बोल रही है उसने टीना को गुस्सा दिलाया, अब वही जो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। क्या, उसको ऐसे कैसे गुस्सा आया? ओ भाई साहब, टीना इसकी क्रश है। उसी के आगे कुछ घूमता है ये। तुम चुप बैठे रहो। एलिस से पूछ लो बॉल के बारे में, उसने ड्रेस खरीदी क्या? नहीं, उन्होंने दुकान के बीच में लड़ाई करी है। ऐसा कैसे कर सकती है? उसने टीना को क्या कहा? बोल रही कि उसने उसे ड्रेस ट्राई करने को कहा, लेकिन टीना ने मना कर दिया बेकार में। हाँ, लोग सच में इस पर गुस्सा हो जाते हैं क्या? तुम नहीं समझ पा रहे हो सकता है उसे प्राइवेसी चाहिए हो या फिर शर्मिली हो। अबे पागल हो गया है क्या? अगर ऐसा होता तो हमें पता चल गया होता। बस करो तुम। हेलो एलिस, तुमने ये सब क्या कर दिया? और तुम टीना के साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकती हो? अगर वो मुझे नहीं दिखी तो मैं पागल हो जाऊंगा, और उसने मुझे भूत ढूंढने का वादा भी किया था, समझ गया? जैसा भी तुम चाहो, लेकिन उसे वापस लेकर आओ, वरना हमारे बीच सब कुछ खत्म। तुम लोग क्या घूर रहे हो? मैं गलत हूँ क्या? कैसे कर सकते हैं? वो मुझे छोड़ देंगे अपनी छोटी सी टीना के लिए। हम लेक जा सकते हैं जहाँ टाइलर प्रॉम से पहले डूब गया था, और उनकी स्पिरिट से बात करने की कोशिश करें। मैं टीना को ढूंढ लूंगी ताकि वो हमें भूत से बात करने में मदद कर सके। हमें प्रॉम क्वीन की कब ढूंढनी है? शायद टीना यहाँ है, यही जगह है जहाँ हम मिल सकते हैं। ओह टीना, हे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो क्या चल रहा है? सॉरी, मेरा इरादा परेशान करने का नहीं था उस दुकान में। चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। सच में तुमने कहा था मैं तुम्हें हमेशा देख नहीं पाऊंगी, और ये फूल किसके लिए चढ़ाती हो? भूल जाओ, मेरी दोस्त थी, बहुत समय पहले चली गई, और मैं हमेशा यहाँ उसकी कब्र पे ताज़ा फूल चढ़ाती हूँ। समझ गई मैं, अब मुझे पता चला तुम इतनी दूर से सफर क्यों करती हो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हमें झील के भूत से बात करने में मदद कर सकती हो प्लीज? तुम्हें ये पक्का करना है, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। देखो हम पक्के हैं, और हम चाहते हैं कि तुम स्पेशली हमारी मदद करो, और नेट भी सच में तुम्हें देखता है। मैं जानती हूँ तुम उसके लिए वैसा फील नहीं करती हो, लेकिन उसे हर्ट मत करो प्लीज। तुम एक अच्छी दोस्त हो एलिस, नेट को तुम्हें मानना चाहिए। सच में? तो चले। क्या ये वही जगह है जैसे अखबार में थी? हाँ, टाइलर की कार यही नीचे गई थी। नेट कहाँ है? वो जल्दी यहाँ होंगे, पर मैंने बताया नहीं तुम यहाँ हो, सरप्राइज होने दो। टीना, तुम वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, एलिस की वजह से, उसने मुझे ढूंढ लिया। शुक्रिया एलिस।
तो तैयार हो ना? क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस अपनी आंखें बंद करो और यहाँ खड़े रहो, मैं हैंडल कर लूंगी। टाइलर के भूत सामने आओ, वो यहाँ है। अरे ये तो डरावना है। हाँ, चिंता मत करो, बस अपनी आंखें बंद रखो, समझे? टाइलर के भूत, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो बोलो, तुम्हारी लड़की का नाम क्या था बताओ। क्या बात है, यहाँ लिखा है क्लेमेंटीना। उस पर तो उसका नाम भी लिखा है, अब हम देख सकते हैं कि किसकी कब्र में है वो। टाइलर प्लीज, टाइलर अपनी लड़की को ले जाओ, वो अभी तुम्हारा इंतजार कर रही है कब्रिस्तान के द्वार पर। वाह, क्या प्लान है। मैं चाहती हूँ कि टाइलर का भूत अपनी लड़की से मिल जाए, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि वो अभी उसका इंतजार कर रही है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? आखिर क्यों वो हर साल कब्रिस्तान में दिखाई देती है, हर प्रॉम रात को? उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। टाइलर, अगर तुम सुन रहे हो तो कोई इशारा दो। क्या तुमने वो सुना? हाँ, पानी से आवाज आई। ये तो टाइलर का भूत है, उसने हमारी बात सुनी है। वो तो बाहर आना चाहता है, अब क्या करें? चलो यहाँ से जल्दी भागो, जल्दी। तुम ये कभी नहीं मानोगे, कितना कमाल हुआ है। आखिर तुम क्या बात कर रही हो? हम टॉक पर थे और टीना टाइलर के भूत के साथ बात कर रही थी। ये टाइलर कौन है? हाँ, बॉल क्वीन का बॉयफ्रेंड, उसी रात उसने मौत की घाट उतारी, झील के किनारे डॉक पर डूबी थी। और तुमने उससे बात की? हाँ। कितनी अजीब बात है ये। हम झील पर गए थे, वहाँ पानी उबल रहा था बिल्कुल। तो मैं स्प्रिंग बॉल के लिए और भी एक्साइटेड हूँ, मुझे स्प्रिंग क्वीन का भूत देखना है। हाँ, लगता है कि वो कमाल की होगी। हाँ बिल्कुल, और टीना ने कुछ अजीब बोला, जैसे क्वीन का भूत आराम नहीं करा, अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये सब करने में मजा तो बहुत आएगा, लेकिन क्या भूत को पटा सकता हूँ? मुझे नहीं पता, वैसे भी तुम लोग का आउटफिट तैयार है। हाँ। अच्छा चलो शो स्टार्ट करते हैं, मैं नेट को कॉल करके बुलाऊंगी डेट पे जाने के लिए, हम अभी भी दोस्त है ना। हे, इतना हंस क्यों रहे हो? अरे वो कह रहा है कि उसे टीना से पूछना है। क्या दिन था यार, जब वो पानी उगलने लगा तो मुझे लगा मैं तो मर ही जाता। दो आइसक्रीम लगा देना। नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चिंता मत करो, ये ट्रीट मेरी तरफ से। देखो ये डेट नहीं है, समझे? पक्का मैं समझ गया हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ दोस्त की तरह रहना चाहती हो। तो फिर यहाँ क्यों हैं हम? बस बात करने का मन था, हमने कभी फेस टू फेस बातें नहीं की। ये लीजिए ट्रीट के मजे लो, तुम दोनों एक क्यूट कपल बन सकते हो। हम कपल नहीं हैं। हाँ? अब नेट, देखो सीधा सीधा पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ बॉल नाइट पर चलना चाहोगी? क्या चलोगी? रुको नेट, देखो तुम बहुत अच्छे हो लेकिन ये जरूरी नहीं है सच में, और मैं तुम्हारे स्कूल की नहीं हूँ, मैं क्यों जाना चाहूँगी? लेकिन आज रात मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें बॉल नाइट में घुमाने से तुम्हें ये सब रोमांटिक नहीं लगता? क्या तुम ही बता दो मुझे। अरे कहाँ जा रही हो? नेट, हम एक कपल नहीं बन सकते हैं, और देखो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड भी नहीं हूँ। क्यों, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पास तो एलिस है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारी मदद करती है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एलिस से नहीं। देखो तुम बार बार गलत लड़की पर जा रहे हो। एक को कैसे चुनूं मैं, तुम ये बताओ। नेट माफ कर दो, मैं बॉल नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आज रात तुम्हारे साथ कब्रिस्तान में आ जाऊंगी, वादा रहा। एरियल के बारे में सीरियसली सोचो, तुम उसे देख नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे सामने है। बस अब एक ही ऑप्शन बचा, मैं एलिस से पूछता हूँ, अगर वो चलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग, हमारे स्प्रिंग बॉल में आपका स्वागत है, ये हमारे स्कूल के लिए एक बड़ा दिन है, शुरू करते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। नेट क्या हुआ,
तुम बहुत उदास लग रहे हो। हाँ, मैं तो बस सोच रहा था कि हमारे बारे में आगे क्या हो सकता है या हम कैसे मिले। तुम श्योर हो तुम्हारे साथ ठीक है, कोई बीमारी नहीं? हाँ, नहीं मैं ठीक हूँ। तुमने कुछ हमारे बारे में कहा? हाँ। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पास तो एलिस है, वो तुमसे प्यार कर। मैं सोच रहा था कि हम दोनों कितने सालों से एक साथ है, एक रिश्ते में तुम और मैं। नहीं मैं और सहन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? नेट सब सही बोलो, मैं क्यों नहीं? आखिर मुझ में क्या कमी है? मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है। एलिस, बस मुझे अकेला छोड़ दो। अब शहर नहीं, ये क्या हुआ एलिस को? नेट तुमने उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया। खड़े क्या, उसके पीछे जाओ। एलिस, एलिस रोना बंद करो यार, हम इतने सालों से साथ हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि दोस्त से आगे बढ़ना जरूरी है कि नहीं। लेकिन तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया, तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा साथ कैसा होता है। मैं समझ गया, लेकिन अगर हम फेल हो गए तो हमारी दोस्ती भी जान से जाएगी। नेट हम इसके बारे में सोच लेंगे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ओह मेरी गलती, क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ? चिंता मत करो, बाद में किस कर लेना, हमें कब्रिस्तान जाना है। हाँ ठीक है, देर हो रही है, हम भूत वाला शो मिस नहीं कर सकते जान। हाँ बिल्कुल, और तुम्हारी पसंदीदा टीना भी। हाँ टीना, मैं कैसे भूल गया कि वो हमारा इंतजार कर रही है। जब सब कुछ ठीक होने लगा था। हाँ हमें चलना चाहिए, हमें बॉल क्वीन की एंट्री मिस नहीं करनी है। बस फैंसी कपड़े उतारना मत भूलना। टीना तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ बहुत खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। लगता है तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, बधाई हो। अभी कुछ भी पक्का नहीं है, अभी तो मामला जमाने की कोशिश कर रहे हैं। नेट बस करो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। अभी सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, इन सब का टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जाना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। यार साल भर से इसका इंतजार किया है। सभी चलो, हम उसे ढूंढने चलते हैं, चलो। तो ये बॉल क्वीन की कब्र कहाँ है? तुम एक हफ्ते पहले उसे ढूंढने गए थे ना? हमें लगा था उसका नाम क्लेमेंटीना है, चलो नाम से ढूंढते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है या फिर ये वही है। हाँ ये तो वही है। अबे अब ये कौन है? ये प्रोम क्वीन का भूत है। ये हमें कहा जाएगा? मैं तो तुम सभी को डरा रही थी, आपके चेहरे प्राइसलेस थे। अरे तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? इस कब्रिस्तान में हम लोग असली भूत ढूंढने आए और तुम हो कि भूत बनकर हमें डरा रही हो। क्या आप लोगों को सच में ये लगता है कि यहाँ पर आपको भूत मिलेंगे? अरे यार ये तो बस एक कहानी है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे यार तुम मुझे क्यों बोल रही हो, मैंने क्या किया है? हाँ अरे तुमने सुना क्या, तुम लोगों ने सुना? कब्रिस्तान के गेट्स के पास है। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना चाहिए इससे पहले कि वहाँ पर कुछ और हो जाए। ठीक है। रुको, मुझे ये फूल अच्छी तरह से याद है। अरे वाह, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एलिस कहाँ पर है, क्या किसी ने देखा? मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन कितनी देर से आया है। वैसे हमें जाकर देखना ही चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। हाँ, शायद यहाँ की पुलिस हमें ढूंढ रही है। अरे डरने की जरूरत नहीं है, चलो देखते। अरे यार वो गेट खुद ही खुल गया। ये कौन है? मैं इस कार को पहचान सकता हूँ, ये तो वो न्यूज़पेपर में थी। कौन सा न्यूज़पेपर? अरे वो प्रोम क्वीन के बारे में, उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर गाड़ी में डूब कर मर गया था। टीना कहाँ जा रही हो? टीना टीना रुक जाओ, ये सेफ नहीं है, हो सकता है ये टाइलर का भूत हो।
टीना, ठीक है तो सच बताओ तुम कौन हो और क्लेमेंटीना के कब्र पर फूल क्यों चढ़ाती थी तुम? एलिस उसे छोड़ो भी यार। नेट, एलिस का ख्याल रखो, वो ही तुम्हारा असली प्यार है। मतलब यही स्कूल क्वीन थी। शुक्रिया गाइस, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम ही वो प्रॉम क्वीन हो? हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम तो टीना है। वही तो मेरा निकनेम है, मेरा पूरा नाम है क्लेमेंटीना। मेरे प्यार को आजाद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा भूत इस कब्रिस्तान में फंस गया था, मुझे इस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए फंसे रहना पड़ता अगर मेरा प्यार यहाँ से मुझे लेकर नहीं जाता। लेकिन उन्होंने तुम्हारी मदद की। माय लव, अब तुम मुक्त हो चुकी हो, आ जाओ मेरे पास। अलविदा, तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे ये एक सपना हो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी टाइलर। मैं भी, मुझे लगा नहीं था कि हम फिर से कभी मिल पाएंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, हमेशा के लिए। एलिस, मुझे माफ कर दो, मुझे शर्म आ रही है। क्यों? मैं एक भूत से प्यार कर बैठा। नेट, तुम्हें पता नहीं था वो एक भूत थी? वैसे वो एक भूत थी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार कर बैठा था। लेकिन वो तो भूत है, मैं भूत से थोड़ी मैं आपसे प्यार करूँगा। सच में? हाँ सच में। और मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ नेट। अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, क्या आपको ये पसंद आया, और हमारे आउटफिट्स के बारे में फिर से बताएं, क्योंकि पता है ना वैसे शुरू से ही मेरी नजर तुम्हारे कपड़ों पे थी, जो कमाल के लग रहे थे। हाँ। तो तुम्हें पहले पता लग गया था कि टीना एक भूत है? मुझे पता कैसे नहीं होता, मैं तो टीम का हिस्सा हूँ ना। वैसे दोस्तों कई कई होता है कि बैकग्राउंड में चीजें चलती हैं और हमें समझ नहीं आता कि असल में ये सब क्या हो रहा है। हम भले ही एक्टर होते हैं लेकिन हमें सब कुछ बताया नहीं जाता ताकि मिस्ट्री बनी रहे और उसमें मजा बिगड़े ना, बस इतना ही है। अरे हाँ दोस्तों, आप ये बताइए कि हैरी का आउटफिट आपको कैसा लगा? वैसे इसने इस बार काफी बढ़िया किया था। अच्छा दोस्तों, पहले आप ये बताइए कि आप कमेंट में लिख के बता रहे हैं कि नहीं कि हमने आज कैसा किया, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसी वजह से हमें आगे वीडियो बनाते रहने की इंस्पिरेशन मिलती रहती है। अच्छा तो तुम दोनों मुझे ये बताओ, मैंने सही बोला ना जो बोला? ओह हे गाइस, क्या आप लोग वो भूल गए कि हमारे पास एक कॉन्टेस्ट था और हमारे पास एक विनर है? तुम लोगों को वो वीडियो याद है जिसमें कैसी को स्टॉक करा जा रहा था और उसको इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, हमने आपसे सवाल पूछा था। काफी कमाल का था, क्या कर सकते हैं, हम तो सही बोल सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। सवाल ये है कि पूरे वीडियो के अंदर कैसी को कितने मैसेजेस मिले थे? हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो पहले हमें बताएगा मैं उसे खुद पर्सनली जाके वहाँ पे जवाब दूंगा। अरे मैं खुद जवाब दूंगा, अब तो खुश हो जाओ, अब तो मजे ही मजे आएंगे। वैसे दोस्तों ऐसा बड़ा चिट्ठा लिख के मत दिया करो, हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप छोटा लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन छोटे में भी बढ़िया लिखना चाहिए। मेरा मतलब अगर मेरी तारीफ हो तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, और अगर बाकी लोगों को भी कवर कर दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। तो हमें जिस किसी ने भी ज्वाइन किया है उसका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद, और विनर है माशा।
एक कर दिया। तो दोस्तों बताइए कि इस चेहरे के पीछे किसका चेहरा है, लेकिन विजय के पीछे कौन है? अरे तुम्हारी टोपी तो उतर गई। गाइस, तुम लोग हमेशा हमसे कहते हो कि तुम हमारे साथ टाइम बिताना चाहते हो, हग करना चाहते हो, साथ में एक फोटो खींचना चाहते हो, तो गेस व्हाट, चलो अभी एक फोटो लेते हैं जैसे तुम हमारे साथ ही हो। देखो हम तुमसे ना मिल पाए लेकिन तुम अभी भी हमारे साथ ही हो, सही कहा ना? आप लोग हमें इतना पसंद करते हैं तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप हग तो बनता है। आजाओ आजाओ आजाओ। अबे फोटो खींचना। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम मौजूद हैं और संगी संग हम पोस्ट भी डालते रहते हैं। वैसे मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं उतना अवेलेबल नहीं रहता हूँ, लेकिन उसके लिए ये रहा मेरा, जो कि मेरा नहीं है लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं, ये इस महाशय का है। हाँ तो दोस्तों इंस्टा पे जाके बताइए कि रहस्यमय बंदा आखिर कौन है, समझ गए ना? हाँ तो चलो अब हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी एक पिक क्लिक करते हैं। अबे ये फोटो में ये आना चाहिए, ठीक है, ये मेन चीज है, अब खींचने वाले हैं। हाँ खींच के फोटो, जिसका वैसे इंस्टाग्राम है उसको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हे दोस्तों, हमारे पास और भी कॉन्टेस्ट आने वाले हैं, तो एक्टिव रहिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे औसम लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत शुक्रिया, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तैयार रहिए, काफी सारे कॉन्टेस्ट आने वाले हैं। क्लेमेंटीना नहीं, टीना वो हर साल शाम को आती है और वो दिन दिन में तुम्हें इतना गंदा लगा? Interrupted. सच में? मेरी जिंदगी को मटकाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे यार ये साला हर बार ऐसा करता है, इस बार नहीं चलेगा, ठीक है यार, दूसरी स्क्रिप्ट का दूसरा डायलॉग बोल देना वरना। अरे यार क्यों तुमने मुझे लिया? क्यों हमें स्कूल स्पिरिट को ढूंढने में मदद की है उसने? मैं टीना को ढूंढती हूँ ताकि ये क्या है। अच्छे तो लग रहे ना? और तुम अभी भी तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्या? सच में मैं पागल हूँ। कसम से यार।